देखिए सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे अवंतिका खंड है और अवंतिका खंड में अलग अलग प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा विद्यमान रही है। यहाँ पर अष्ट महाभैरव में से एक अताल पताल महाभैरव का स्थान है। ये अति प्राचीन और पवित्र स्थान है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी भैरव के पूजन की मान्यता है। चूँकि यहाँ पर हमारे यहाँ परम्परा 3000 वर्ष पुरानी है और मुख्य बात है कि यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से ओपले ब्राह्मण परिवारों में बनाए जाते हैं, उसके पीछे की मान्यता यह है कि एक तो पर्यावरण के प्रति संदेश हो, दूसरा परंपरा का निर्वहन हो सके और तीसरा यहाँ पर वैदिक परंपरा का नियमन किया जा सके। तीसरी मुख्य बात है कि यहाँ पर तकरीबन 5500 के आसपास कंडे की होली बनाई जाती है। प्रतिवर्ष यहाँ पर कंडे की संख्या बढ़ती रहती है और हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो परंपरा है पौराणिक परंपरा है। पौराणिक परंपरा में जब भक्त प्रहलाद और होलिका का उल्लेख आता है तो ये जो होलिका आप देख रहे हैं पीछे, ये होलिका की बैठी हुई अवस्था है। वो इसके ऊपर जो ध्वज दिख रहा है आपको, वो ध्वज इसमें प्रहलाद का प्रतीक है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि जब पूर्णिमा का हिसाब होता है तो पूर्णिमा के समय यहाँ पर गड्ढा खोदने की परंपरा है। वो गड्ढा खोदने के बाद यहाँ पर फिर होलिका के दिन पूर्णिमा पर एक महीने बाद होलिका जमती है। होलिका जमने के बाद यहाँ पर जो डांडा स्वरूप है वो भक्त प्रहलाद के रूप में ध्वज है। यहाँ पर ध्वज की मान्यता यह होती है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में होलिका का दहन होता है तो उस दहन काल में ये जो भक्त स्वरूप प्रहलाद का ध्वज है, ये ध्वज अपने आप उड़ता है और उड़ने के बाद ये नीचे गिरने की स्थिति में आता है। तब यहाँ पे उपस्थित जितने भी समाजजन होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, सांप्रदायिक एकता को कायम करने के लिए सभी प्रकार की जातियों के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, उनके बीच में होड़ मचती है कि इस ध्वज को अपने द्वारा लुटा जा सके। उसके पीछे की मान्यता यह है कि भक्त प्रहलाद के स्वरूप में इस ध्वज के खंड खंड किए जाते हैं और ध्वज के खंड का भाग जब हम परिवार में लेके जाते हैं तो संपत्ति समृद्धि संतति की प्राप्ति होती है। जहाँ पे संतति हो चुकी होती है तो यहाँ पे इसका जो टुकड़ा होता है उस टुकड़े को ताबीज में बांधकर या गले में धागा बांधकर पहनने से उसको नज़र टोटके से बचा जा सके और प्रेत दोष की निवृत्ति होती है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात और कहने वाली है कि जब यहाँ पर दाह संस्कार होता है तो संस्कार के अंतर्गत यहाँ की जो अग्नि है इस अग्नि को घर पर ले जाता है। और साथ ही एक बात और आती है कि नया अन्न जो होता है, हमारे यहाँ उम्बी बोलते हैं, जो नई गेहूं की बालियाँ होती हैं उन बालियों को यहाँ स्पर्श किया जाता है, जलाया जाता है। साथ ही जो नारियल होता है, नारियल की जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी को यहाँ पे हल्का सा अग्नि से स्पर्श किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब जले हुए अन्न जले हुए नारियल को और यहाँ की अग्नि को जब हम घर पर ले जाते हैं तो पूर्वकृत जितने भी ज्ञात अज्ञात वास्तुकृत दोष होते हैं उन दोषों की निवृत्ति होती है। साथ ही घर परिवार में अन्न का भंडार बना रहे और आर्थिक प्रगति होती रहे और सुरक्षा कवच की प्राप्ति हो। इसी के साथ हम बात करेंगे तो एक विशेष व्यवस्था ये होती है कि जब होलिका का दहन होता है तो दहन का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। यह मुहूर्त सभी प्रकार के दोषों से मुक्त माना गया है। इस मुहूर्त में चयन करने के बाद जो प्राप्तियां होती है वो वर्ष पर्यंत रहती है। कितने साल पुरानी है? यह 3000 वर्ष पुरानी परंपरा है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे सिर्फ कंडों की होली बनाई जाती है। और मुख्य बात यह है कि जब पाँच रात तक ये चलती रहती है वो इसकी जो लपट है वो लपट मध्यम गति से आती है और पाँचवें दिन बाद मतलब रंग पंचमी के बाद इसका होली का ठंडा का विधान होता है। वो ठंडे के बाद में यहाँ पर अस्थियाँ निकलती हैं। जब कभी आप आएंगे तो अस्थियों का भी दर्शन कर सकेंगे। ये एक विशेष परंपरा, अस्थियों की परंपरा के बारे में अभी तक भारत में कैसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई समाचारों के माध्यम से।